तो भाई जो लोग भी नवंबर में एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए परीक्षा ऐप की तरफ से एक और बड़ा धमाका आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के नवंबर वाले एग्जाम के लिए 20 नए टेस्ट सीरीज लॉन्च किए गए हैं परीक्षा ऐप पे, तो आप जाकर के उन्हें लेकर के सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी के लेवल को जांच सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ले लीजिएगा और वहाँ पर ये स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 140 रुपये में आपको 20 नए टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से बता दूँ कि आज के इस वीडियो में जो बड़ा बदलाव एयरफोर्स में हुआ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसको समझने के लिए आपको बिल्कुल अटेंटिव होना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 मिनट की वीडियो है, पूरे वीडियो को अटेंटिव होकर समझ लीजिए, वरना बाद में आप ही पछताएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ जो बदलाव है, मुझे पता है कि कुछ यूट्यूबर्स आपको बता दिए होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जो शायद आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे पता है कि कुछ यूट्यूबर्स आपको ये बता दिए होंगे कि जो अभी स्टार 2021 वाली जो वैकेंसी है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अब जो वैकेंसी आने वाली थी, जो जुलाई में जो वैकेंसी आती है, ठीक है, नोटिफिकेशन जिस वैकेंसी का आता है, यानी फिलहाल किसका आने वाला था, 2021 बैच का। ठीक है, अब वो नहीं आएगा, आप देख सकते हैं दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब इस चीज को समझ लीजिएगा कि अब इसके बाद वैकेंसी जो आएगी वो आपके सीधे दिसंबर में आएगी, यानी नोटिफिकेशन दिसंबर में रिलीज होंगे और इंटेक कौन सा होगा, 1/2022। यहां तक जो है काफ़ी यूट्यूबर्स ने आपको बता दिया होगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी जो है फायदे वाली बात क्या है, इस बार जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं नवंबर में, यानी जो स्टार 1/2020 में जो लोग फॉर्म भरे थे उनके लिए ये बड़ा जो है खुशखबरी है और बड़ा बदलाव है। खुशखबरी ये है कि सपोज डैट मान लीजिए कि स्टार 1/2020 में जो है 4000 वैकेंसीज थी। ठीक है, 4000 चलिए हम मान लेते हैं, और वहीं बात कर लेते हैं स्टार 2021 में 4000 वैकेंसीज, क्योंकि वो चीज़ तो फिक्स होती है कि हमको 4000-5000 जो कैंडिडेट है ना उनको उस इंटेक में लेना ही लेना है। तो अब जब दोनों इंटेक को एक कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, तो ये पूरी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज होंगी आपकी ना वो इस बार बढ़ेंगी। ठीक है, यानी जब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगी तो कट ऑफ ऑटोमेटिक जो है वो नीचे आ जाएगा, जिस हिसाब से बच्चों का परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे मान लीजिए कि इस बार 3 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जितने लोग परफॉर्मेंस देंगे, जैसे मान लीजिए 8000 लोगों ने या भी जो है 10000-12000 लोगों ने जो है रिटर्न क्वालिफाई किया, तो उस हिसाब से PFT फिर जो है आगे जाते जाते 8000 लोगों को आपको लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एग्जाम का कट ऑफ रखा जाएगा। मतलब इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे और आपकी वैकेंसी के बेसिस पे, क्योंकि वैकेंसी क्या हो गई है, डबल हो गई है। ठीक है, दोनों इंटेक को मिला दिया गया, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों वैकेंसीज को मिला करके जो है टोटल जितनी वैकेंसीज आएंगी वो आपको रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, उसमें जो 3 लाख लोग फॉर्म यदि भरे होंगे इंटेक 1/2020 में, ये उन्हीं 3 लाख लोगों में से 8000 को जो है चूज किया जाएगा, यदि 8000 वैकेंसीज हैं तो। ठीक है, यानी 4000 की जगह 8000, यानी डबल हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ ना, जिस हिसाब से बच्चों का परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से जो है कट ऑफ जाएगा। तो ऑलमोस्ट अभी क्या है कि देखिए COVID-19 के वजह से जो है हर जगह आप देख सकते हैं कि जो है काफ़ी लोगों में डर है, तो हो सकता है कि इस बार बच्चे कम जाए एग्जाम देने। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में उस हिसाब से आपके जो है कट ऑफ जाएंगे, और ये 100% मैं सियोरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जो आपका कट ऑफ होगा ना वो कम रहेगा। ठीक है, तो कट ऑफ भी कम रहेगा प्लस चांसेस आप ज्वाइनिंग, ठीक है, मतलब आप ज्वाइनिंग की पूरी पूरी चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। तो जितने भी लोग जो है इस बार ध्यान दीजिएगा इस इंटेक में, यानी नवंबर वाले जो है एग्जाम देने वाले हैं, इंटेक 1/2020 या फिर इंटेक 2/2021 सेम हो गया है, तो जो लोग भी इसमें एग्जाम देने वाले हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए कि फाइनली जो है दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े कि मैं एयरफोर्स के लिए तैयारी किया था लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, अच्छे से अच्छी मेहनत कीजिए इस बार, ठीक ना, क्योंकि हो जाना चाहिए इस बार। और सबसे बड़ी जो है दुख की बात उन लोगों के लिए है जिनका ये लास्ट चांस था, मतलब कि अभी जो लोग जो है इंटेक 2021 में फॉर्म भर सकते थे, फाइनली फॉर्म तो आएगा कि नहीं जैसा आप सभी को जो है बाकी यूट्यूबर्स बता दिए होंगे। तो फाइनली यही अपडेट था, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतर कीजिए, और जो लोग जो है अपना होपलेस हो रहे हैं ना, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है निकल गया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है कभी भी मौका लास्ट नहीं होता है। ठीक है, कभी भी चांस जो है लास्ट नहीं होता है, हमेशा सेकंड लास्ट होता है, तो आप कोई वो दिक्कत नहीं है, यदि आपका जो है एयरफोर्स एयरमैन में नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ग्रेजुएशन कर लीजिए, FCAT का एग्ज़ाम दे लीजिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑफिसर रैंक पे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि कभी भी मौका लास्ट नहीं होता है डियर, ठीक ना। सो प्लीज़ जितने भी लोग इस बार नवंबर वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।